सो द टुडेज टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। हम हमारी क्लासेस में, स्पेशली क्लास नाइन्थ में, जब हमारे एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं तो उसमें रैशनलाइजेशन के बारे में बहुत ही इजी क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, पर कहानी कुछ डिफरेंट ही होती है। जब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट आते हैं, जो हमारी बुक में थे ही नहीं। तो इसीलिए मैं मयंक कलरा आपको गाइड करूँगा कि हम 3 जो लेवल्स के क्वेश्चन हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप पूरा का पूरा सीख लेंगे तो नीचे लिंक में आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, आप उसको अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके फॉर्मूलाज से। आइए, तो सबसे पहले आप देखिए, रैशनलाइजेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन कैसे होता है। सबसे पहले किसका? स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर रूट 2 प्लस रूट 3 है, जनरली मैं अगर ऐसा लिखता हूँ 2 प्लस 3 तो आप क्या कहते हो? 5। पर आप जैसे ही कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 को क्या बोलते हैं? रूट 5। इट इज रॉन्ग। रूट 2 प्लस रूट 3 रिमेन सेम, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। आगे की तरफ बात करें, अगर रूट 2 के साथ है 3 रूट 2, मतलब इधर भी रूट 2 है इधर भी रूट 2 है, तो ये प्लस होंगे। इस रूट 2 के पास कुछ भी नहीं तो क्या है? 1। तो रूट 2 और रूट 2 का आंसर किसमें आता है? रूट 2 में। 1 और 3 कितना होता है? 4। तो आंसर क्या बन गया हमारा? 4 रूट 2। नेक्स्ट, यही सिस्टम सब्ट्रैक्शन में भी होता है, राइट? अब नेक्स्ट चीज आपको सिखाता हूं मैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होता है? रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी। यहाँ बी का मतलब क्या है? ए है अलग नंबर और बी है अलग नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, रूट 5 इंटू रूट 6, रूट 5 6 कितना होता है? 30। सिंगल रूट लग जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में दो रूट हटके एक सिंगल रूट लग जाता है। सेम ऐसा डिवाइड में भी होता है। रूट ए अपॉन रूट बी इज, इट विल गिव रूट ए अपॉन बी, सिंगल रूट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऊपर आ रहा है रूट 30 और नीचे आ रहा है रूट 6, तो आप क्या बोलोगे? रूट 30 अपॉन 6 विल गिव रूट 5। द आंसर इज रूट 5, राइट? तो इस तरह से हम रूट में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब अगर नेक्स्ट थिंग रूट ए इंटू रूट ए हो तो ए हो जाता है। इट मीन्स सेम रूट आपस से मल्टीप्लाई होते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं? सेम रूट आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसल। इट मीन्स कैसे हो जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3, आंसर इज 3। इसका सेंस क्या होता है? रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 3 कितनी बार है? 2 बार। तो रूट 3 क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे होते हैं रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस। सिंपल पार्ट है। तो अभी तो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ रहा है, वो देखिए आप। जब हम इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करते हैं, जनरली यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब अगर यही काम रूट के लिए करना हो, मतलब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर जगह क्या बोलेंगे? रूट ए का होल स्क्वायर। हम पहले बी स्क्वायर लिखते थे, फिर 2ab को बाद में लिख देंगे। प्लस बी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? रूट बी का होल स्क्वायर। प्लस 2ab क्या बोलेंगे? 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच जाएगा? ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच जाएगा? बी। और 2 एक नंबर है, ये दो रूट आपस में क्या हो जाएंगे? रूट ए बी। तो आंसर क्या आया? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। क्या आंसर आया? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। एज इट इज, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता? ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, मतलब वही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास लिखा हुआ है रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो मैं क्या बोलूँगा? एक बार बोलूँगा रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3। लोगों को ए और बी पहचान में नहीं आता, तो मैं सिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर, स्क्वायर को भूल जाओ, क्या बचा? ए। तो ए की वैल्यू कितनी? रूट 5।
बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री, तो ए प्लस बी रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी रूट फाइव माइनस रूट थ्री। और अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई हो तो उसको इस फॉर्म में लाने का है। तो ये था एक छोटा सा बेसिक इस चैप्टर का, और भी जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं यहाँ पर साइड में लिखता जाऊँगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हमारे सामने कुछ रेशनलाइजेशन की सिंपल क्वेश्चन, मैंने बोला ना मैं आपको तीन लेवल के कराऊंगा, ये लेवल वन है। ओके, तो जितने तरह के जैसा मैं करवाऊंगा ना उसी तरह के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। आप लिंक में आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन निकाल के आप करेंगे एंड देन कॉमेंट में मुझे बताएंगे उसका पिक क्लिक करके। यस, देन वन अपॉन रूट सेवन, तो अपॉन में रूट सेवन है, इसका उल्टा साइन मतलब देखो क्या है, जब अपॉन में रूट है तो ऐसा कहा जाता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन, इसलिए क्या करा जाता है रेशनलाइजेशन करा जाता है। ओके, तो सेम रूट क्या है रूट सेवन, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब क्या होता है कि इसको इसे काट भी सकते हैं, तो चीज तो अभी होगी वो बच गई, इसीलिए ये मैथ्स का रूल है, आप जब किसी चीज को प्लस करो तो उसको माइनस भी करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो उसको डिवाइड भी करते हो। ओके, तो ये अपॉन में है तो जो है उसको ही सेम ऊपर नीचे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से भी करेंगे, रूट सेवन बन जाए कितना होता है रूट सेवन, और दो सेम रूट आपस में क्या होते हैं रूट कैंसल, यही क्या कहलाएगा इसका फाइनल आंसर। देखो अपॉन में रूट नहीं चाहिए मुझे बस। ओके, इसी को क्या कहा जाता है रेशनलाइजेशन, इसे सॉल्व करते हैं हम, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन। जब दो चीजें हों और किसी न किसी एक के पास भी रूट हो, अगर दो के पास हो तो बात अलग है, किसी न किसी एक के पास भी रूट हो तो जो इसका ऑपोजिट साइन है, ऊपर नहीं देखना है हमें, इसका जो ऑपोजिट साइन है रूट थ्री प्लस वन का ऑपोजिट साइन का था रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री माइनस वन। अब ये दोनों जब एक जैसे मिल गए, अब बताओ टू इंटू टू क्या होता है टू स्क्वायर, ऐसे ही रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन क्या होता है रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है वन, ऊपर किसे बोलेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है ए स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू इंटू रूट थ्री इंटू वन, थ्री में से वन का कितना बचता है टू, रूट थ्री का स्क्वायर कितना था थ्री, वन का स्क्वायर वन माइनस टू रूट थ्री इंटू वन टू रूट थ्री, थ्री प्लस वन देखो नंबर और डिजिट आपस में प्लस हो जाते हैं, थ्री प्लस वन कितना होता है फोर माइनस टू। अब ये टू से आप टू को नहीं काट सकते हो, तभी आप कट कर पाओगे जब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर दोनों में क्या कॉमन, देखो अपॉन में टू है तो ऊपर चेक करो टू कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कॉमन कैसे निकालते हैं माइनस के इधर और उधर, फोर और टू में टू का डिवाइड जाता है एब्सोल्यूटली जाता है, तो टू आपने बाहर निकाल दिया, टू की टेबल में फोर कितनी बार आता है टू टाइम आता है, टू से टू कैंसिल कितना बच जाएगा रूट थ्री, अपॉन में क्या है टू, टू से टू कैंसिल क्या आंसर क्या बचा टू माइनस रूट थ्री। नेक्स्ट वो आपके लिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वन अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री, इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव प्लस रूट थ्री बन जाए कितना होता है रूट फाइव प्लस रूट थ्री। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आगे कौन है रूट फाइव का स्क्वायर और पीछे कौन है रूट थ्री का स्क्वायर, बीच में क्या लगाना है माइनस, सो रूट फाइव प्लस रूट थ्री, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू, इट इज ऑल्सो द फाइनल आंसर। तो ये थे इस चैप्टर के या इस टॉपिक के सिंपलर क्वेश्चंस। अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, और थर्ड वाले जो टाइप का जो क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा सुपर कॉम्प्लेक्स होगा। अब दो क्वेश्चन और आपके सामने जो एक अपर लेवल के हैं, उस क्वेश्चन से थोड़े से अपर लेवल के हैं पर टफ बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आप भी ईजीली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, थ्री रूट टू माइनस टू रूट थ्री अपॉन थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री प्लस रूट ट्वेल्व अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक तो इसका फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ तो आप ऐसा करो कि दोनों पार्ट को अलग अलग रेशनलाइज करो या एक ही साथ करो,
तो मैं प्रीफर, चलो इसको तो मैं अलग अलग, इसको तो मैं एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ, उसको मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा, ताकि आप दोनों मेथड सवालों में सीख जाएंगे। तो देखो आप, 3√2 - 2√3, 3√2 + 2√3, इसका ऑपोजिट साइन, 3√2 - 2√3, 3√2 - 2√3, अब यहाँ पे क्या साइन लग रहा है, प्लस, तो हमने भी क्या लगा दिया, प्लस। रूट 12 को हम कोई शॉर्ट में ला सकते हैं, कैसे ले सकते हैं वो देखो, 12 को हम क्या बोलते हैं, 4√3 अपॉन √3 - √2, इसका ऑपोजिट साइन, √3 + √2, √3 + √2, ऊपर दोनों चीजें बिल्कुल सेम, क्या हो जाएगा, 3√2 - 2√3 का होल स्क्वायर, नीचे a² - b², 3√2 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर। यहां पर 4 है रूट में, तो 4 से बाहर क्या आता है, 2 बाहर आता है, कब, जब बीच में मल्टीप्लाई हो, तो अंदर क्या रहेगा, ओनली √3। सो 2√3 इनटू किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, √3 + √2, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऐसे ही लिखा जाता है, ओके। 4 निकल गया, 2 बच गया, √3 अंदर बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या बनता है, आगे √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। यहाँ पर a - b² क्या होता है, 3√2 का स्क्वायर + 2√3 का स्क्वायर - 2ab, 2 × 3√2 × 2√3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 जा कितना होता है, 18। अलग अलग करना है, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3, कुछ लोग 3 का स्क्वायर 6 बोल देते हैं, ये 3 × 2 = 6 नहीं करते हैं, पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 × 3 जा कितना होता है, 12। 2√3 को 3 से भी करेंगे, 2√3 को √2 से भी करेंगे, तो 2, √3 × √3 कितना होता है, 3, 3 × 2 = कितना होता है, 6। पहले रूट रूट को आपस में करो, √3 × √3, 3, 3 × 2 = 6। अब फिर क्या बीच में, प्लस, 2 तो अपने अलग जगह पर, √3 × √2 क्या होता है, √6, तो क्या बोलेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आया, बीच का प्लस लगाया, 2√6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। वही इसका स्क्वायर कितना आया था अभी, 18, प्लस इसका कितना, 12, माइनस, ओनली वे नंबर नंबर को देखना, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, √3 × √2 कितना होता है, √6, 18 - 12 कितना होता है, 6, 3 - 2 कितना होता है, 1, 18 और 12 कितना होता है, 30 - 12√6 अपॉन 6 प्लस 6 + 2√6, वो अलग सिस्टम है। इन दोनों में देखो, अपॉन में 6 है, तो इन दोनों में क्या 6 कॉमन आता है, बिल्कुल आता है, 6 का डिवाइड 30 में जाता है, 6 का डिवाइड 12 में जाता है, तो 6 कॉमन ले लो, तो 6 की टेबल में कितनी बार आता है, 5 टाइम, 6 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 टाइम, अपॉन में क्या है, 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो क्या बचा, 5 - 2√6 प्लस 6 + 2√6 + 2√6 से -2√6 कैंसिल, 5 + 6 कितना होता है, 11, ये माइनस चला गया, ये 6 किसका, प्लस का, तो कितना आंसर आ गया इसका, 11। तो कोई भी इस सवाल को देख के नहीं बता सकता है कि इसका आंसर 11 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। हम सवाल को देखते ऐसा लगता है कि इसका आंसर तो स्क्वायर रूट में आएगा, ऐसा नहीं है। अब इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 2 स्टेप है, यहाँ पर आपको एक गोल्डन फॉर्मूला याद रखना है मेरा, द गोल्डन स्टेटमेंट इज माइनस सबके साइन चेंज करता है, गोल्डन स्टेटमेंट इज माइनस सबके साइन चेंज करता है। तो यहां पर क्या आया, एक पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो 2√5 अपॉन √6 + √5, इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, √6 - √5, √6 - √5। अब 2√5 को इससे भी करना है, 2√5 को इससे भी करना है, तो √5 × √6 √30, तो क्या बोलेंगे, 2√30, √5 × √5 = 5, 5 × 2 = कितना होता है, 10, ओके। नीचे √6 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर √5 का, बीच में क्या लग रहा है, माइनस, तो √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6, √5 कितना होता है, 5, 6 - 5 कितना होता है, 1, तो अपॉन 1 का कोई सेंस नहीं होता है, तो आंसर कितना आएगा, 2√30 - 10, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या है वो, 3√2 अपॉन
रूट 15 प्लस 3√2। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, ये 3√2 से 3√2 कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। सो इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, रूट 15 माइनस 3√2, रूट 15 माइनस 3√2। अब 3√2 को रूट 15 से करने पर कितना आएगा, रूट 15 इंटू रूट 2 कितना होता है, रूट 30। तो हम क्या बोलेंगे, 3√30। 3 जा 9, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 9 2 जा कितना होता है, 18। समझना आप, 3 जा 9, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 9 2 जा कितना होता है, 18। नीचे क्या हो जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर पीछे वाले का स्क्वायर, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस 3√30 माइनस 18। रूट 15 का स्क्वायर 15, 3 का 9, रूट 2 का 2, 9 2 का कितना होता है, 18। 3√30 माइनस 18 अपॉन, देखो 18 माइनस 15 कितना होता है, 3, बट 15 माइनस 18 कितना होता है, माइनस 3। अब ऊपर हम क्या कॉमन लेंगे कि ये 3 कट जाए, तो क्या कॉमन लिया जाएगा, 3 क्या बचेगा यहाँ पे, तो रूट 30, और 3 टाइम 18 कितनी बार आते हैं, 6 टाइम। ओनली नंबर टू नंबर रूट को नहीं छेड़ना है, याद रहे, 3 से 3 कैंसिल, अपॉन में क्या लग रहा है, माइनस, और जब अपॉन में माइनस लग जाए तो ऊपर के साइन चेंज कर दो। मतलब कैसे, ये रूट 30 क्या बन जाएगा, माइनस रूट 30 माइनस 6 क्या बन जाएगा, प्लस 6। प्लस की चीज को आगे लिखते हैं, तो प्लस का 6 आगे क्या हो जाएगा, मतलब प्लस का 6 आगे आ जाएगा और माइनस का रूट 30 भी चला जाएगा, ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, 6 माइनस रूट 30। सेकेंड, अब इसकी जगह क्या पुट करना है आपको, 2√30 माइनस 10, यहाँ पर क्या है, माइनस, और माइनस के बाद चीज को किसमें लेते हो, ब्रैकेट में, क्या आ रहा है, 6 माइनस रूट 30। बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज, √30 √30 प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3√30। ओके, और माइनस 10 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 16। इट इज द फाइनल आंसर विच इज 3√30 माइनस 16। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए सेकेंड लेवल के। अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो आप अगला लास्ट जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इससे अपर लेवल का है, वो भी सीख के ही इस वीडियो को खत्म कीजिए। तो मैं अब आपके पास एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन है। अब जो मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा वो हल्का सा अपर लेवल का होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू दे रखा है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, वाई का दे रखा है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पर हमें यहाँ पे दोनों स्क्वायर का क्या चाहिए, सम, सम चाहिए, इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कहते हैं, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर दोनों जगह एक ही, दोनों तरफ यही वैल्यू है, तो अगर हमें ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab को वहां भेजना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहां से निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, राइट। तो ये x की वैल्यू है, ऐसी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। सो x इज इक्वल टू क्या होता है, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, इसका ऑपोजिट साइन √3 प्लस √2 √3 प्लस √2, ऊपर क्या बन जाएगा, दोनों चीजें सेम है तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2 प्लस √3 इंटू √2 कितना होता है, √6, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, इसको भूल जाओ, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 √6। अब उसे सॉल्व करते हैं y की वैल्यू को, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, इसका ऑपोजिट साइन √3 माइनस √2 √3 माइनस √2, तो ऊपर दोनों √3 माइनस √2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, नीचे √3 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट थ्री स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट थ्री का थ्री, रूट टू का टू माइनस टू, रूट थ्री इंटू रूट टू कितना होता है रूट सिक्स, और थ्री माइनस टू कितना होता है वन, थ्री प्लस टू कितना होता है फाइव माइनस टू रूट सिक्स। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट थिंग बताता हूँ, अगर इसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर बन जाए, सॉरी इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर बन जाए, इसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर बन जाए, तो जो पूरे x का आंसर आया था y का आंसर बस साइन चेंज कर देने का, 5 प्लस टू रूट सिक्स यहां पे क्या बन गया 5 माइनस टू रूट सिक्स। अब आपकी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि x का जो आंसर है आपको पता है y का क्या होगा, पर आपको एग्जामिनेशन स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर नंबर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, पर अगर आप एनटीएसी का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, x निकाल दोगे ऑपोजिट साइन। अब आपको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है फाइव प्लस टू रूट सिक्स प्लस वाई की कितनी है फाइव माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू। अच्छा यहां पर मैं वाली वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि फायदा बता दूं क्या होगा, और इसका रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, यहां पर क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सेम चीजें ही ऊपर नीचे कैंसिल होती, बिल्कुल सेम है रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू ऊपर नीचे कैंसिल, रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू, अगर मैं ये रखता तो 5 का तो क्या होता a प्लस बी ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर 25, 2 का 4, रूट 6 का 6, 4 सीधा कितना 24, 25 माइनस 24 कितना आता है 1, इसे काट के भी कितना आया 1, सिंपल टेक्निक लगाया करो, 2 रूट 6 से माइनस रूट 6 कैंसिल, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 2 वन जाए कितना होता है 2, सो 100 माइनस 2 इट बिकम्स 98, तो आंसर कितना आया इसका 98। अब हम इसकी समराइज करते हैं, सबसे पहले जो हमने रेशनलाइजेशन क्वेश्चन किया था वो था बिल्कुल सिंपल मेथड, सेकंड किया थोड़ा सा एडवांस, और थर्ड किया सुपर एडवांस, इस तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, आप सब क्वेश्चन को सेंड कर सब क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर पिक क्लिक करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या क्या आया, और भी किसी तरह की जो आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।